दिल्ली और महाराष्ट्र में रविवार सुबह मानसून की शुरुआत हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 62 साल बाद दोनों जगह एक साथ मानसून पहुंचा है। इससे पहले 21 जून 1961 को दोनों जगह एक ही दिन मानसून दाखिल हुआ था। अगले दो दिनों में मानसून दिल्ली और मुंबई को पूरी तरह कवर कर लेगा। मुंबई में कल से हो रही जोरदार बारिश से जे फ्लाईओवर पर पानी भर गया। आज शहर के कुछ स्थानों के लिए येलो और कुछ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार देश के 23 राज्यों में अगले चार दिन बहुत अधिक बारिश का अनुमान है। इनमें झारखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा आदि राज्य शामिल हैं। शनिवार को 6 राज्यों में दाखिल हुआ मानसून भले ही देश में 7 दिन की देरी से दाखिल हुआ, लेकिन शनिवार को एक दिन में यह 6 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में पहुंच गया। कई राज्यों में मानसून तय समय पर पहुंचा है। पूरे उत्तराखंड व हिमाचल में एक ही दिन में मानसून छा गया। अगले 24 से 48 घंटे में मानसून महाराष्ट्र में मुंबई तक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा में आगे बढ़ेगा। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कई हिस्सों में भी मानसून के फैलने का अनुमान है।